यहाँ हर साल 1 अगस्त को होती है अनोखी रेस, सिर्फ महिलाएं ही लेती हैं हिस्सा। क्या आपने किसी ऐसी रेस के बारे में कभी सुना है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही हिस्सा लेती हों? शायद नहीं, लेकिन ब्रिटेन में हर साल 1 अगस्त को एक ऐसी हॉर्स रेस होती है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही हिस्सा लेती हैं। इनमें टीवी एंकर से लेकर मॉडल, फैशन एक्सपर्ट, छात्राएं और गृहिणी तक शामिल होती हैं। इस अनोखी रेस को मैग्नोलिया कप हॉर्स रेस के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत साल 2012 में हुई थी। इस बार इसका 7वां संस्करण शुरू होने जा रहा है। इस रेस की वजह से 1 अगस्त को ब्रिटेन का लेडी डे भी कहा जाता है। ये अनोखी हॉर्स रेस 11 महिलाओं के बीच होती है। इस रेस से जो भी धनराशि इकट्ठा होती है उसे दुनिया भर की महिलाओं की बेहतरी के लिए दान कर दिया जाता है। माना जा रहा है कि इस बार रेस से 20 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठा होगी। माना जा रहा है कि इस बार रेस देखने के लिए करीब 30,000 लोग आएंगे। साल 2012 में जब पहली बार यह रेस हुई थी उसमें करीब 10,000 लोग पहुँचे थे। रेस की खास बात यह है कि इसमें जो भी महिलाएं हिस्सा लेती हैं, वो पेशेवर घुड़सवार नहीं होती हैं। सभी शौक से घुड़सवारी करती हैं। इसीलिए उन्हें रेस से 2 महीने पहले ही ससेक्स बुला लिया जाता है ताकि वो थोड़ी बहुत रेस की तैयारी कर सकें। इस बार ब्रिटेन की प्रतिष्ठित विक्टोरिया रेसिंग क्लब की सदस्य जॉर्जिया कोनोली को रेस का एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि रेस में भाग लेने वाली अन्य महिलाओं में खादिजा मला, इंजीनियरिंग की छात्रा, लुईसा जस्मीन, उद्यमी और टीवी स्टार, एलेक्सिस ग्रीन, बीबीसी रिपोर्टर, केट ग्रोवर, एमडब्ल्यू अनिल कैपिटल पार्टनर्स लिमिटेड में कार्यकारी सहायक, रेसिलगा लैंड, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर, वालेरिया होलिंगर, मार्केटिंग असिस्टेंट, किटी ट्राइस, द रेसिंग पोस्ट में रिपोर्टर, सोफी वान डर मर्व, गृहिणी, रोसी टाइपनर, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी में छात्रा, और वॉग विलियम्स, टीवी एंकर और मॉडल शामिल हैं।